अब यहाँ पे मॉडल टू से रिलेटेड एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर टू। क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर इज 4422, व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स। अब हमें इस क्वेश्चन में दो नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है सक्सेसिव नंबर्स का, जो कि है 4422, और हमें स्मॉलेस्ट टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 4422 हो। अब हमें यहाँ पर सिंपली सक्सेसिव नंबर्स दिए हुए हैं, टू सक्सेसिव नंबर्स। हमें नहीं बताया कि इवन सक्सेसिव नंबर्स है या ऑड सक्सेसिव नंबर है। सक्सेसिव नंबर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होते हैं, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर को सक्सेसिव नंबर भी कहते हैं। तो सक्सेसिव नंबर ना तो हमें ऑड पूछा गया तो और ना ही इवन पूछा गया, तो हम इसे नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो फर्स्ट नंबर एक्स होगा और सेकेंड नंबर होगा एक्स प्लस वन। हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को इसी तरह से प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट पूछा गया तो इनका प्रोडक्ट होगा 4422। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस 4422 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन है, इसमें वन वेरिएबल है और फॉर वन ही इक्वेशन है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसमें दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको सॉल्व करने बैठें। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए या इसका स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हम बेस्ट वे जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो भी रॉन्ग ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करते जाए और राइट आंसर को फाइंड आउट कर लें, है ना। तो हम ऑप्शन के साथ जाते हैं और देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर का प्रोडक्ट है जो 4422 है। तो अब हम मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर 69 है। ऑप्शन नंबर वन में स्मॉलेस्ट नंबर 69 है और तो लार्जेस्ट नंबर हुआ 70। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं यूनिट प्लेस मल्टीप्लीकेशन करूँ, 9 × 0 = 0 आया। लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे पास प्रोडक्ट है नंबर का, उन वो एंडिंग हो रहा है 2 से, 4422 2 से एंडिंग हो रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये 0 पे एंड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 62, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 62 है तो लार्जेस्ट नंबर हुआ 63। अब इनका प्रोडक्ट करें तो यूनिट प्लेस पर आएगा 2 × 3 = 6। अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो 2 है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। थर्ड ऑप्शन है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 66 है तो लार्जेस्ट नंबर 67 हुआ। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करें लास्ट डिजिट का तो 6 × 7 = 42। अब इसका लास्ट डिजिट और जो हमारे क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट दिया है उसका लास्ट डिजिट मैच हो रहा है, तो मे बी ये आंसर हो सकता है। तो मैं इसको मार्क कर लेती हूँ कि ये हो सकता है ये आंसर हो, ठीक है। अब 67, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 67 है और तो लार्जेस्ट नंबर 68 हुआ। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 7 × 8 = 56, तो हमारा जो लास्ट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, और 6 मैच नहीं हो रहा, क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 इनकी राइट करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले या तो आप 66 और 67 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम लोगों ने स्मार्ट तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना सीखा था कि हम इजी वे में कैसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो आप टू डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके यही आएगा 4422, यानी कि 66 ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है और नन ऑफ दिस भी रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शंस का यूज़ करके रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए और राइट आंसर को ऑप्शन को वहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए, और इस तरह से आप ऑप्शन से भी इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये आता है करना, अगर आपको इजी लगता है, तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा ही रहेगा। तो आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं।